दिस इज़ अनबिलीवेबल जो भी हुआ, अचानक उनका चले जाना, ये कह लीजिए कि सदी की सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी. श्रीदेवी जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन, मैं तो क्या, मेरे ख्याल से जितने लोग भारतवर्ष में रहते हैं जिन्होंने बॉलीवुड बॉलीवुड को चाहा है, पसंद किया है, प्यार किया है, वो होंगे ही श्रीदेवी के दीवाने. श्रीदेवी थी ही ऐसी, वो पर्सनालिटी, शी वॉज कैरिज्मेटिक. उनकी अदाकारी, हाव भाव, इनहिबिशन फ्री थी वो. और बचपन से जो अदाकारा एक्टिंग करते करते इस लेवल तक पहुंची हैं, आप सोचिए कि उनकी अदाकारी किस लेवल पर पहुंची होगी. और वो एक डॉटिंग मदर थी, एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी. ये सब जो हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उन्हें छीन लिया गया है हमसे. ये वक्त नहीं था सही उनके जाने के लिए. वी डिज़र्व्ड मोर ऑफ हर, वी वॉन्टेड हर अराउंड अस. आई नो ये सब किस्मत होती है, जो होना होता है वो होता है, बट यू कीप विशिंग कि काश ये नहीं हुआ होता. नहीं तो नचबली में भी एक डांस परफॉर्मेंस उनके एक फिल्म पर बेस्ड किया था, सदमा वाली एक परफॉर्मेंस थी जो कि उन्हीं से इंस्पायर होके हमने किया था, मैंने और विवेक ने. एंड इनफैक्ट उनको बताया भी था उसके बारे में कि हमने आपके गाने, तब मालूम नहीं था कि श्रीदेवी जी आने वाली है नचबली में. फिर उसके बाद में उनके साथ स्टेज शेयर किया था, मोरनी बागा मार्ग पे डांस किया था. उनसे मिलने के बाद मैंने एक ही बात का एहसास किया कि आप जब बहुत बड़े होते हो, बहुत बड़े मतलब आप अपने काम में, पर्सनालिटी में, ऑरा में, जब आप बहुत बड़े होते हो, आपको ज़ुबान से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ऐसी थी श्रीदेवी जी, वो कुछ नहीं कहती थी, लोग उनके बारे में बात करते थे. वो ज़ुबान नहीं भी खोले, लोग आएंगे और उनकी तारीफ करके जाएंगे. वो चुप रहती थी पर वो दो शब्द निकालती थी और उस पर तालियाँ गूंजती थी. दिस वॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई मेट ऑन नचबली स्टेज. एंड आई जस्ट कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन अगेन कि आई विश दिस डिड नॉट हैपन. बहुत ही एप्ट गाना एक है जो मैं गा सकती हूँ उनके लिए. ये लम्हे ये पल हम हर पल याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, हम फरियाद करेंगे.